नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं मुकेश हेल्प। आज की इस वीडियो में मैं आपको हरिद्वार टूर की पूरी जानकारी दूंगा। ये जो टूर प्लान है मैंने अपने अनुभव के अनुसार बनाया है ताकि श्रद्धालुओं को किसी तरह की कोई परेशानी ना हो, श्रद्धालु कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा जगह घूम सके और पैसे भी कम खर्च हों। ये टूर प्लान आपके लिए बेस्ट होगा। अगर आप इसके अनुसार चलेंगे तो कम पैसे में ज़्यादा से ज़्यादा जगह घूम सकेंगे। तो बने रहें हमारे साथ और वीडियो को अंत तक जरूर देखें ताकि हरिद्वार टूर की सभी जानकारी आपको मिल सके। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करने के साथ आगे शेयर जरूर करें ताकि सभी को इसकी जानकारी मिल सके। दोस्तों, इससे पहले शुरू करें मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। अगर आप हरिद्वार कुंभ से संबंधित जानकारी पाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें। अब शुरू करते हैं। एक पवित्र नगर जिसे भगवान तक पहुंचने का द्वार कहा जाता है, जहां पर माँ गंगे के दर्शन मात्र से ही लोगों के कष्ट दूर हो जाते हैं, उसे हरिद्वार कहते हैं। हरिद्वार भारत का सबसे प्रमुख तीर्थ स्थल है, जहां पर श्रद्धालुओं का तांता लगा रहता है। अब बात करते हैं हरिद्वार टूर प्लान की। सबसे पहले बात आती है हरिद्वार तक कैसे पहुँचें। हरिद्वार पहुँचने के लिए तीन मार्ग हैं, ट्रेन, रोड, बाई एयर। सबसे पहले बात करते हैं ट्रेन की। हरिद्वार के मेन स्थान हर की पौड़ी से 2 किलोमीटर की दूरी पर हरिद्वार का मेन रेलवे स्टेशन है, जहां पर देश के लगभग सभी कोनों से ट्रेन की सुविधा उपलब्ध है। आप ट्रेन के द्वारा हरिद्वार पहुंच सकते हैं। दूसरा ऑप्शन है बस से। अगर आप बस से हरिद्वार पहुँचना चाहते हैं तो आराम से पहुँच सकते हैं। दिल्ली, जयपुर, कानपुर, लखनऊ, हरियाणा, MP, पंजाब, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश आदि जगहों से आपको बस मिल जाएगी। आप आसानी से हरिद्वार पहुंच सकते हैं। तीसरा ऑप्शन है बाय एयर। हरिद्वार के नज़दीक देहरादून एयरपोर्ट है, जो कि हरिद्वार से लगभग 40 किलोमीटर की दूरी पर है, जहां पर दिल्ली, लखनऊ, कलकत्ता, मुंबई आदि जगहों से आपको आसानी से फ्लाइट मिल जाएगी। आप फ्लाइट के द्वारा देहरादून पहुंच सकते हैं और उसके बाद वहां से कार बुक करके हरिद्वार पहुंच सकते हैं, जिसके लिए आपको 1500 रुपये से 2000 रुपये देने होंगे। हरिद्वार पहुंचने के बाद अब बात आती है कि रूम कैसे लें। हरिद्वार में रहने के लिए तीन ऑप्शन हैं, धर्मशाला, आश्रम और होटल। अगर आपका बजट कम है तो आश्रम और धर्मशाला ले सकते हैं। हरिद्वार में धर्मशाला और आश्रम लगभग 300 रुपये से शुरू होते हैं, जहां पर आपको अच्छी सुविधा मिल जाएगी। हरिद्वार में आश्रम और धर्मशाला की संख्या बहुत है। हर की पौड़ी के आसपास सप्त सरोवर रोड, भीमगोड़ा के पास बहुत से आश्रम और धर्मशाला हैं, जहां पर आप अपनी ज़रूरत के अनुसार रूम ले सकते हैं। तीसरा ऑप्शन है होटल। हरिद्वार स्टेशन से बाहर निकलते ही आपको होटल दिखने लगेंगे और हर की पौड़ी के पास तो हजारों की संख्या में होटल मिलेंगे, जहां पर आपको 500 रुपये से होटल में रूम की शुरुआत होती है। कोशिश करें होटल हर की पौड़ी के आसपास ले, जिससे कि आप जब चाहें हर की पौड़ी पैदल पहुंच सके और माँ गंगे के दर्शन करें, स्नान करें। अब बात आती है अच्छा भोजन कहां मिलेगा। हर की पौड़ी के पास बहुत से होटल हैं जहाँ पर आपको अच्छा भोजन मिल जाएगा। मोती बाज़ार में सुबह का नाश्ता करें और अपर रोड में लंच और डिनर कर सकते हैं। दोनों ही जगह बहुत ही अच्छी हैं, बहुत सारी खाने पीने की दुकानें हैं। ये दोनों मार्केट हर की पौड़ी के पास हैं। आप पैदल इन दोनों मार्केट पर पहुंचकर जो भी खाना चाहें खा सकते हैं। हर की पौड़ी के पास कुछ प्रसिद्ध दुकानें हैं। यहाँ मिलने वाले खाने पीने की जो चीज़ें हैं बहुत ही अच्छी हैं, जैसे जैन चाट भंडार की चाट, त्यागी दूध वाले की आप लस्सी और पेड़े खा सकते हैं, भगवती छोला भंडार के छोले भटूरे खा सकते हैं, पंजाबी लस्सी वाला के लस्सी और बड़ा समोसा भी खा सकते हैं। अब मैं आपको एक ज़रूरी जानकारी देता हूं जिसे आपको पता होना चाहिए। हरिद्वार में रेलवे स्टेशन और बस स्टैंड आमने सामने हैं और यहाँ से हर की पौड़ी की दूरी 2 किलोमीटर है। आप ऑटो के द्वारा, ई रिक्शा या तांगे में बैठकर हर की पौड़ी पहुंच सकते हैं। अगर आपके साथ छोटे बच्चे नहीं हैं या आपके पास ज़्यादा सामान नहीं है तो आप पैदल भी 15 से 20 मिनट में हर की पौड़ी पहुंच सकते हैं। अब बात करते हैं कि हरिद्वार टूर को किस तरह प्लान किया जाए,
कि आप कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा जगह घूम सके। मान लेते हैं कि अगर आप हरिद्वार सुबह पहुँचते हैं तो आपको रूम लेते और फ्रेश होते होते लगभग 10 बज जाएंगे। उसके बाद आप सबसे पहले हर की पौड़ी पहुँचे, वहाँ पर माँ गंगे के दर्शन करें और स्नान करें। स्नान करने के बाद आप हर की पौड़ी के पास की मार्केट में ब्रेकफास्ट या लंच कर सकते हैं। उसके बाद आप मनसा देवी मंदिर जाएं। मनसा देवी मंदिर जाने के दो रास्ते हैं, या तो आप पैदल जा सकते हैं या उड़न खटोले से। अगर आप उड़न खटोला से जाते हैं तो कॉम्बो पैक ले लें, जिसमें मनसा देवी मंदिर, उड़न खटोले से आना और जाना, मनसा देवी मंदिर से चंडी देवी मंदिर का ट्रांसपोर्ट और चंडी देवी मंदिर में उड़न खटोले का चार्ज शामिल होगा। अगर आप ऐसा करते हैं तो लगभग 6 से 7 घंटे में मनसा देवी मंदिर और चंडी देवी मंदिर में आराम से दर्शन कर लेंगे। और उसके बाद आप हर की पौड़ी में होने वाली माँ गंगा की शाम की आरती में शामिल हो जाएंगे और वहाँ पर माँ गंगे की विशाल आरती होती है, उसको देखें। और उसके बाद आरती ख़त्म होने के बाद आप अपने अनुसार भोजन करें और उसके बाद रात्रि विश्राम कर सकते हैं। अब बात करते हैं नेक्स्ट डे की। तो सबसे पहले आप हर की पौड़ी में जाएं और स्नान करें, उसके बाद एक ऑटो को पूरे दिन के लिए बुक कर लें। फिर सबसे पहले पहुँचें कनखल, दक्षेश्वर महादेव के दर्शन करें। ये स्थान बहुत ही प्रसिद्ध है और भगवान शिव की ससुराल इसी स्थान पर है। उसके बाद आप माया देवी मंदिर पहुँचें, जो हरिद्वार का मुख्य मंदिर है। आप दोपहर तक आराम से दोनों मंदिर में दर्शन कर सकते हैं। उसके बाद आप लंच करें और फिर पहुँचें हरिद्वार की सबसे प्रसिद्ध सड़क पर, जिसका नाम है सप्त सरोवर रोड, जिसे मंदिरों के लिए जाना जाता है। यहाँ पर 12 से 15 अच्छे मंदिर हैं, लेकिन आप भारत माता मंदिर, पावन धाम, वासुदेव आश्रम में बने मंदिर देख सकते हैं और अपने अकॉर्डिंग जो मंदिर आप देखना चाहें आप देख सकते हैं। उसके बाद आप डिनर करें और आराम करें। वैसे तो हरिद्वार में बहुत से मंदिर और अच्छे घाट हैं, जहां पर घूमने के लिए आपको एक सप्ताह का समय लग सकता है। कुछ प्रमुख मंदिर और घाटों की जानकारी मैं आपको देता हूं। आप यहां पर भी जा सकते हैं, जैसे बिल्वकेश्वर महादेव, सुरेश्वरी देवी मंदिर, तिल भांडेश्वर महादेव, चंडी घाट, ओम घाट, सप्तऋषि घाट। अगर आप इन स्थानों की जानकारी पाना चाहते हैं तो मैंने इन स्थानों की वीडियो पहले ही बनाई है, जो मेरे चैनल में मिल जाएगी। आप वहां से पूरी जानकारी ले सकते हैं। अगर वहां से आपको आसानी से वीडियो ना मिले तो आप जिस स्थान को ढूंढना चाहते हैं उस स्थान का नाम लिखें और उसके बाद मुकेश हेल्प डाल के सर्च करें, वो आपको वीडियो मिल जाएगी। मैंने आपको हरिद्वार टूर का 2 दिन का प्लान इस वीडियो में बताया है। अगर कोई सवाल है तो इंस्टाग्राम में मुझसे बात कर सकते हैं। मेरी इंस्टाग्राम आईडी है मुकेश हेल्प। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें और आगे शेयर जरूर करें, ताकि सभी को ये जानकारी मिल सके। ऐसी ही और जानकारी पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में। आप अपना ख्याल रखें। जय हिंद, जय गंगे माता।